अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाने और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवाने की नई साजिश तैयार कर ली गई। इंग्लिश टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए बैटिंग के लिए ऐसी साजगार विकेट फराहम की गई हैं जिस पर इंग्लिश बल्लेबाज बआसानी रन का अंबार लगा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुँचने के लिए अपने अगले मैचेस में फतह दरकार है। दोनों टीमों के पास अब सिर्फ एक लीग मैच बाकी है। अगर इंग्लैंड अपने अगले मैच में फतह हासिल करता है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तहम अगर इंग्लैंड को शिकस्त होती है और पाकिस्तान अपना अगला मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अब बताया गया है कि इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर देगी। दोस्तों वीडियो में मजीद तफसील से बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करें। हालिया कुछ मैचेस के दौरान देखने में आया है कि विकेटें बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती जा रही हैं। ताहम हैरान कन तौर पर भारत के खिलाफ मैच में इंग्लैंड को बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार विकेट मिली और इस बायस इंग्लिश टीम फतह हासिल कर पाई। अब आज इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए भी ऐसी ही आसान विकेट फराहम की गई है जहां उसके बल्लेबाज आसानी रन के अंबार लगा सकते हैं। एक साइड की बाउंड्री भी सिर्फ 59 मीटर है। भारत और इंग्लैंड के मैच के नतीजे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर करवाने के लिए इंग्लैंड से जानबूझकर हारा। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के ज़ेर एहतमाम आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान टीम नवा मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेलेगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक, तो आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।